पर्यटन नगरी नैनीताल शहर का हर साल की तरह इस बार भी 182वां जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि 18 नवंबर 1841 में पीटर बैरन नैनीताल आए थे और इसके बाद नैनीताल में बसावट शुरू हो गई। इसके बाद से हर साल 18 नवंबर को यहां के युवक इस दिन को खास तौर पर मनाते आ रहे हैं। इसी वर्ष भी नैनीताल 142वें साल पर नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने केक काटकर नैनीताल शहर का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके साथ ही नैनीताल की खुशहाली के लिए सर्वधर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ नैनीताल के लिए प्रार्थना की। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। सबसे बड़ी जरूरत तो यह है कि हमें बलिया नाला बचाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की योजना ऐसी है कि एक तरफ बलिया नाला और बलिया नाले से लगा हुआ है हनुमानगढ़, जहां पहले हेलीपैड बन रहा था, हेलीपैड रुकवाया गया, अब वहां पर क्या कहते हैं रोपवे का निर्माण हो रहा है। और आश्चर्य की बात है कि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि रोपवे बनने से पहले उस हिल का एक सर्वेक्षण होना चाहिए, एक भूगर्भी अध्ययन होना चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि जिस कंपनी को रोपवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वही संवेदनशीलता का सर्वेक्षण कर रही है, तो स्वाभाविक है कि उस कंपनी को पैसा मिलेगा, ठेका मिलेगा, वो क्यों।